बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू चैनल फिजिक्स एंड मैथ, नाइन्थ क्लास फिजिक्स। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि स्टॉप वॉच और मेजरिंग सिलेंडर्स। और उससे पहले आपको एक बात बताता चलूँ कि चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बनाई गई है स्टूडेंट्स की आसानी के लिए। तो जैसे ही आप चैनल को ओपन करें तो वहाँ पर प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाएँ, नाइन्थ क्लास की फिजिक्स का फोल्डर बना हुआ उसको ओपन करें और आप अपना मुतलका लेक्चर जो है वहाँ से देख सकते हैं। तो ये प्लेलिस्ट इसलिए बनाएंगे ताकि स्टूडेंट्स को अपने लेक्चर ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। चलिए जी, आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि स्टॉपवॉच एंड मेजरिंग सिलेंडर। और हम इसमें ये सीखेंगे स्टॉपवॉच को यूज़ कैसे किया जाता है और स्टॉपवॉच जो है वो उसका काम क्या है, और फिर हम मेजरिंग सिलेंडर को देखेंगे कि मेजरिंग सिलेंडर क्या होते हैं और ये किस काम आते हैं, इनको यूज़ कैसे किया जाता है। तो आज हम ये चीज़ें सीखेंगे। चलिए जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है स्टॉपवॉच। चलिए जी, स्टॉप वॉच जो है वो टाइम को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे नाम से जाहिर है कि वॉच, और स्टॉप का मतलब है जिसको हम खुद रोक सकें। तो स्टॉप वॉच किसी टाइम इंटरवल को मेजर करने के लिए, किसी इवेंट को मेजर करने के लिए स्टॉप वॉच को यूज़ किया जाता है। अ स्टॉप वॉच इज यूज टू मेजर टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट। To measure a time interval of an event, तो किसी भी इवेंट का जो टाइम इंटरवल मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसे हम स्टॉपवॉच कहते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ स्टॉपवॉच, एंड मैकेनिकल स्टॉपवॉच एंड डिजिटल स्टॉपवॉच। हमारे पास स्टॉपवॉच की दो किस्में होती हैं, एक है मैकेनिकल स्टॉपवॉच और एक है हमारे पास डिजिटल स्टॉपवॉच। जो मैकेनिकल स्टॉपवॉच है वो एक सेकंड के दसवें हिस्से को मेजर कर सकता है, और जो डिजिटल है वो एक सेकंड के सौवें हिस्से को मेजर कर सकता है। हम सिंपली ये कह सकते हैं कि 1/10 ऑफ अ सेकेंड दैट मेजर बाय मैकेनिकल स्टॉपवॉच, एंड 1/100 of second is measured by digital stopwatch. Okay, there are two types of stopwatch. हमारे पास दो किस्म की stopwatch होती है, जो एक है हमारे पास mechanical stopwatch और नंबर टू है हमारे पास डिजिटल स्टॉपवॉच। जो मैकेनिकल स्टॉपवॉच है ये एक सेकंड के दसवें हिस्से को मेजर कर सकता है। इसका लीस्ट काउंट हम कह सकते हैं 0.1 सेकंड, मेजर 1/10 ऑफ सेकंड, एंड लीस्ट काउंट इज 0.1 सेकेंड। एंड डिजिटल स्टॉपवॉच मेजर 1/100 ऑफ सेकेंड, एंड लीस्ट काउंट इज 0.01 सेकेंड। ये डिजिटल स्टॉपवॉच का लीस्ट काउंट है। चले अब हम ये पढ़ते हैं कि स्टॉपवॉच को यूज़ कैसे किया जाता है। तो जो मैकेनिकल स्टॉपवॉच है उसके ऊपर एक नॉब होती है, उस नॉब को जब हम प्रेस करते हैं तो वो स्टार्ट हो जाती है, अगेन प्रेस किया जाता है स्टॉप हो जाती है, अगेन प्रेस करते हैं तो वो रीसेट होता है, जो नीडल है दैट इज बैक टू ज़ीरो। तो दोबारा सुन लें कि जो मैकेनिकल स्टॉपवॉच है उसको यूज़ करने का ये मेथड है, उसके ऊपर एक नॉब होती है, जब उसको फर्स्ट टाइम प्रेस किया जाता है तो वो स्टार्ट हो जाती है, जब सेकंड टाइम प्रेस करते हैं तो स्टॉप हो जाती है, और जब थर्ड टाइम प्रेस करते हैं तो वो ज़ीरो पे चली जाती है, जिसकी नीडल है ज़ीरो पोजिशन पर चली जाती है। और डिजिटल स्टॉपवॉच तो आप लोगों ने आमतौर पर देखी होगी,
कि मोबाइल के अंदर या जो डिजिटल वॉचेस हैं उनके अंदर भी ये होती है। तो एक स्टार्ट का बटन होता है, एक स्टॉप का बटन होता है और एक रीसेट का बटन होता है। इसमें तीन बटन लगे होते हैं अलग अलग से। तो डिजिटल और मैकेनिकल स्टॉप वॉच में यही फर्क है। मैकेनिकल में एक बटन होता है जो नॉब होता है, उसको प्रेस करते हैं, फिर उसको प्रेस करते हैं, फिर उसको प्रेस करते हैं, जो कि स्टार्ट स्टॉप एंड रीसेट के लिए। लेकिन जो डिजिटल स्टॉप वॉच है उसमें ये तीनों बटन जो है वो अलग अलग दिए होते हैं, स्टार्ट स्टॉप एंड रीसेट का। चलो जी इसको हम आज सीखते हैं कि मैकेनिकल स्टॉप वॉच जो है इसको यूज कैसे करते हैं, हाउ टू यूज स्टॉप वॉच। तो हम पहले मैकेनिकल स्टॉपवॉच का बात मैकेनिकल स्टॉपवॉच की बात करेंगे, उसके बाद हम डिजिटल स्टॉपवॉच। मैकेनिकल स्टॉपवॉच हैज अ नॉब, हैज नॉब व्हेन प्रेस फर्स्ट टाइम इट स्टार्ट, व्हेन प्रेस सेकेंड टाइम इट स्टॉप्स, व्हाइल प्रेस थर्ड टाइम इट इज रीसेट। ये है मैकेनिकल स्टॉपवॉच को यूज करने का मेथड। और उसके बाद हम सीखेंगे कि डिजिटल स्टॉपवॉच को कैसे यूज किया जाता है। तो डिजिटल स्टॉपवॉच जो है कंटेन थ्री बटन, स्टॉप स्टार्ट एंड सॉरी स्टार्ट स्टॉप एंड रीसेट बटन। व्हेन प्रेस स्टार्ट बटन इट स्टार्ट, व्हेन प्रेस स्टॉप बटन इट स्टॉप, व्हेन प्रेस रीसेट बटन द स्टॉप वॉच विल बी रीसेट। डिजिटल स्टॉप वॉच हैज थ्री बटन्स, वन इज स्टार्ट बटन एंड प्रेस्ड द वॉच इज स्टॉप। सेकेंड इज स्टॉप बटन, व्हेन प्रेस इट स्टॉप्स, थर्ड इज रीसेट बटन, व्हेन प्रेस इट रीसेट टू जीरो। ये हमारे पास इसके यूजेस हैं डिजिटल और मैकेनिकल स्टॉपवॉच को यूज करने के। अब हम बात करेंगे मेजरिंग सिलेंडर्स की, जो के मेजरिंग सिलेंडर हमारे पास क्या होते हैं। नाम से जाहिर है मेजरिंग यानी कि किसी चीज की पैमाइश करना है, और सिलेंडर तो एक सिलेंडर टाइप होगा ये। तो हम बात करेंगे कि मेजरिंग सिलेंडर जो है वो किस काम आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मेजरिंग सिलेंडर आर यूज टू मेजर वॉल्यूम। जस्ट से द मेजरिंग सिलेंडर आर यूज टू मेजर वॉल्यूम। जो मेजरिंग सिलेंडर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम को मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं। चले अब इसको हम आज डिस्कस करते हैं। हमारा टॉपिक है मेजरिंग सिलेंडर। चलें तो
मेजरिंग सिलेंडर आर यूज टू मेजर वॉल्यूम, सबसे पहले हम यही बात लिखेंगे, मेजरिंग सिलेंडर आर यूज टू मेजर वॉल्यूम। ये आपके पास मेजरिंग सिलेंडर की डेफिनेशन है, मेजरिंग सिलेंडर आर यूज टू मेजर वॉल्यूम। चले अब हम इनके बारे में बात करेंगे कि मेजरिंग सिलेंडर जो होते हैं वो किस टाइप के होते हैं और ये कैसे मेजर करते हैं और इनकी रेंजेस क्या हैं और इनके ज़रिए क्या किसी इररेगुलर शेप जिसकी शेप जो है वो रेगुलर नहीं है क्या उसका भी वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल, हम आज इनको डिस्कस करेंगे इन क्वेश्चंस को। तो मेजरिंग सिलेंडर जो होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, वो ग्लास या फिर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक मटीरियल के बने होते हैं। मेजरिंग सिलेंडर्स आर मेड अप ऑफ ग्लास और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक। चले ये या फिर ग्लास के बने होते हैं या फिर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के बने होते हैं और इनके ऊपर एक स्केल होती है। मैं यहां पर एक मेजरिंग सिलेंडर बना देता हूं, ये हमारे पास एक मेजरिंग सिलेंडर है और ये ग्लास या फिर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के बने होते हैं। इनके ऊपर स्केल होती है जिसके ऊपर मिलीलीटर्स में रीडिंग लिखी होती है। जी, इट हैज स्केल अलोंग इट्स लेंथ। इट हैज स्केल अलोंग इट्स लेंथ। दे आर इन डिफरेंट रेंजेस, स्टार्ट फ्रॉम 100 ml टू 2500 ml। दे आर इन डिफरेंट रेंजेस। फ्रॉम 100 ml टू 2500 ml। चलेंगे, आपने ये देखा कि इनकी जो इनके ऊपर स्केल होती है अलोंग इट्स लेंथ और इनकी जो रेंजेस हैं वो 100 ml टू 2500 ml या इससे भी ज़्यादा हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर स्टॉप हो जाए, इससे भी ज़्यादा हो सकती है। और हम इसके ज़रिए लिक्विड या फिर पाउडर सब्सटेंसेस या फिर इररेगुलर शेप बॉडीज जो कि सॉलिड्स होते हैं उनका हम फाइंड कर सकते हैं वॉल्यूम विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग सिलेंडर फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पाउडर सब्सटेंसेस and irregular solid objects। चलें, तो इसके जरिए हम liquid powder substances और irregular solid जो होते हैं उनका हम irregular shaped जो solid substances होते हैं या कोई objects होते हैं उनका हम volume find कर सकते हैं। चलें, तो अब होता क्या, इनको use कैसे करते हैं, how to use measuring cylinder, most important question है कि मेजरिंग सिलेंडर को यूज कैसे किया जाता है। चलें, तो हम पहले तो इसका यूज सीख लेते हैं, सुन लेते हैं, सीख लेते हैं कि इनको यूज कैसे किया जाता है, उसके बाद हम इसको इसकी थ्योरी लिखेंगे। तो मेजरिंग सिलेंडर को यूज करने का एक करेक्ट मेथड है और दो इनकरेक्ट मेथड है। तो पहला करेक्ट मेथड ये है कि जो मेनिस्कस होता है, अब फर्ज करें मैंने इसके अंदर कुछ वाटर जो है वो डाल दिया है। अब आप देखें ये मैंने जो कर्व है ये डाउनवर्ड बनाई, यहाँ पर तो कर्व डाउन बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये जो एक मैंने कर्व बनाई है ये है मेनिस्कस। अब अगर वाटर हो
या इस तरह की कोई लिक्विड्स हो उनका मेनिस्कस जो होता है वो डाउनवर्ड कर्व की फॉर्म में होता है, लेकिन अगर हमारे पास मरकरी हो तो उसका जो मेनिस्कस होगा वो अपवर्ड होगा। अपवर्ड से मुराद ये है कि ये डाउनवर्ड कर्व नहीं बनेगी बल्कि अपवर्ड एक बनेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और मेजरिंग सिलेंडर यहाँ पर बना लेता हूँ, तो अगर मैं मर्करी फिल करता हूँ तो ये, तो आप देख रहे हैं ये मनिस्कस जो है ये अपवर्ड कर्व की फॉर्म में है, ये डाउनवर्ड नहीं है। तो ये वाटर के लिए है, और ये हमारे पास अगर हम मर्करी इसके अंदर रख लें तो ये मर्करी के लिए, तो डाउनवर्ड कर्व जो है ये मनिस्कस है, ये भी इसका मनिस्कस है। अपवर्ड होती है मर्करी के लिए, डाउनवर्ड होती है वाटर के लिए। तो जो मनिस्कस या फिर हम इसको लेवल ऑफ लिक्विड कह सकते हैं, ये हम रखेंगे बिल्कुल सेम एज लेवल ऑफ आई। तो अगर हम फर्ज करें ये इसका लेवल है कर्व का, तो आई जो है हम यहां पर रखेंगे बिल्कुल इसके सामने, इसके लेवल के सामने। तो यहां पर भी देख लें तो हम यहां पर बिल्कुल इसके सामने रखेंगे, जो आई लेवल है वो बिल्कुल मनिस्कस के लेवल के इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल सेम लेवल पे। और अगर हम इसको अपवर्ड ले जाएं, यानी कि मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर मैं, ये हमारे पास मेनिस्कस लेवल है और आई लेवल जो है वो अबव हो जाए, तो मेनिस्कस जो है वो अपने लेवल से हायर हमें नजर आएगा, यानी कि जो रीडिंग है वो एक्चुअल रीडिंग से ज्यादा नजर आएगी। और अगर हम आई लेवल को मेनिस्कस लेवल से नीचे ले आए, मेनिस्कस से नीचे ले आए, या वाटर लेवल लिक्विड लेवल से नीचे ले आए, तो हमें वैल्यू जो है, जो हमारे पास रीडिंग है वो डाउनवर्ड हो जाएगी, हमें कम नजर आएगी, यानी एक्चुअल रीडिंग से कम रीडिंग हमें मिलेगी। तो इसलिए इसका एक्यूरेट मेथड ये है कि आई लेवल को सेम ऐसे रखा जाए जो लेवल ऑफ मेनिस्कस है। ये है मेजरिंग सिलेंडर को यूज करने का मेथड। चलें हम इसको पढ़ते हैं। हाउ टू यूज मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर को मेजर करने का मेथड ये है, तो पहले तो आप इसको बिल्कुल ऐसे रखें कि ये वर्टिकल पोजीशन में हो, और इसको जो आप ऐसे वर्टिकल पोजीशन पे रखें कि ये किसी हॉरिजेंटल सरफेस पे इस तरह पड़ा हो कि ये टेढ़ा ना हो, बिल्कुल सीधा हो, वर्टिकली हो, बिल्कुल वर्टिकल। फर्ज करें मैं इसको किसी टेबल की सरफेस पे रखता हूँ और ये बिल्कुल वर्टिकल पड़ा हुआ है और ये टेढ़ा ना हो, ये सबसे अहम और ज़रूरी बात है। और इसके अंदर कुछ पानी डाल देंगे, जैसे इसके अंदर पानी डालेंगे तो हम इसका मेनिस्कस लेवल जो है वो चेक करेंगे। चलें तो सबसे पहले पुट द सिलेंडर वर्टिकली ऑन अ हॉरिजेंटल सरफेस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिलेंडर को किसी हॉरिजेंटल सरफेस के ऊपर बिल्कुल वर्टिकली रखेंगे एंड पोर सम वाटर इनटू इट। इसमें कुछ पानी डाल देंगे और फिर जो मनिस्कस लेवल होगा वो वाटर के लिए डाउनवर्ड कर्व होगा और मर्करी के लिए अपवर्ड। मनिस्कस ऑफ वाटर इज डाउनवर्ड कर्व फॉर वाटर, मनिस्कस ऑफ वाटर इज डाउनवर्ड कर्व एंड फॉर मर्करी इज अपवर्ड, सॉरी एंड मनिस्कस फॉर मर्करी, हम देखेंगे फॉर मर्करी इज अपवर्ड। द करेक्ट मेथड टू टेक रीडिंग, रीडिंग लेने का करेक्ट मेथड ये है कि आई लेवल, कीप द आई लेवल सेम एज द लेवल ऑफ मेनिस्कस।
सेम एज लेवल ऑफ मिस्कस। एंड द इनकोरेक्ट मेथड ये है हमारे पास, फर्स्ट जो करेक्ट मेथड है, द इनकोरेक्ट मेथड द आई लेवल इज अबव, आई लेवल इज अबव द लेवल ऑफ मेनिस्कस। The reading is greater than the actual reading. Then reading is greater than actual reading. And second incorrect method ये है कि the eye level is below the level of meniscus. मैं इधर लिख देता हूँ. And the incorrect method the eye level is below the level of meniscus. And the reading is less than actual reading. तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और इसी के साथ हम आज अपना आज का टॉपिक खत्म करते हैं। तो हमने आज ये सीखा है कि मेजरिंग सिलेंडर क्या होते हैं और इनको यूज कैसे किया जाता है। मेजरिंग सिलेंडर जो होते हैं वॉल्यूम को मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, और इनको फिर यूज़ कैसे करना है। तो इसके एक करेक्ट मेथड था और दो इनकरेक्ट मेथड आज हमने सीखे। करेक्ट मेथड ये है कि आप मेनिस्कस जो है, मेनिस्कस होता है कि जो लेवल है, अगर वाटर है तो उसके लिए डाउनवर्ड कर्व होंगी, मर्करी के लिए अपवर्ड कर्व होंगी। तो हम उस मेनिस्कस के लेवल के इक्वल सेम लेवल पे आई लेवल को रखेंगे तो रीडिंग करेक्ट आएगी। अगर हम उससे ऊपर ले जाएंगे तो रीडिंग एक्चुअल रीडिंग से ज़्यादा होगी, और अगर हम मेनिस्कस लेवल से आई लेवल को नीचे रखेंगे तो रीडिंग जो है वो एक्चुअल रीडिंग से कम हमें नज़र आएगी। तो इसलिए ये दो मेथड थे, और इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।